उन्हें अपनी सुरक्षा के नाल पहल की कि मैं तख्त श्री दमदमा साहब दी जिहड़ियां सेवावां निभाउंदा रहूंगा ते इत्थे जिहड़े तुसीं होर नवें जथेदार परमानेंट नियुक्त कर लो वो अपनियां सेवावां तख्त श्री दमदमा साहब विखे अपनियां निरंतर जारी रखणगे बतौर जथेदार श्री दमदमा साहब। तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार दीआं जिहड़ियां सेवावां बतौर जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघवीर सिंह जी जिहड़े तख्त श्री केसगढ़ साहब जी दे जथेदार आ उत्थे उन्हां कोल अडिशनल चार्ज सी वह अपनियां पक्कियां सेवावां श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार दे तौर ते निभाउणगे। बड़े लंबे समय तो ये कई बारी कहण सुन चाहुंदा सी कि सिंह साहिबान सारे जिहड़े एक्टिंग चले आ रहे आ ते परमानेंट जथेदार जिहड़े वो नहीं लाए जा रहे। सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जिहड़े तख्त श्री दमदमा साहब जी दे जथेदार साहब आ उन्हां नूं कुछ समा पहलां इत्थे अडिशनल चार्ज तख्त श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार दे तौर ते दित्ता सी जिन्हां ने अपने पीरियड काल दौरान सिख पंथ दे विच दरपेश समस्यावां नूं भी ते इस सेवा दे विच अपना भरपूर योगदान पाया जिहदा अज दा हाउस उन्हां दे इस कार्यकाल दौरान सिख पंथ दे कई बारी भाकते मुद्दे भी आए उन्होंने उत्ते इन्होंने सिख कौम की योग अगवाई की भरपूर शलाघा भी करता। और एक होर जिहड़ी बहुत वड्डी गल ते मैं समझना एक नवा इतिहास भी सिर च गई आ हरप्रीत सिंह जी ने अपनी स्वै इच्छा दे नाल क्योंकि दो तीन महीने तो चल रहे थे परमानेंट जथेदार उन्हें अपनी स्वेच्छा के नाल पहल की कि मैं तख्त श्री दमदमा साहब दीआं जिहड़ियां सेवावां निभाउंदा रहूंगा ते इत्थे जिहड़े तुसीं होर नवें जथेदार परमानेंट नियुक्त कर लो सो इस गल दी भी उन्हां दी प्रशंसा की जाती आ कि जिन्हां ने फराक दिली दे नाल नहीं तां उहदे छड्डण नूं कई वारी चित नहीं करदा ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वो अपन सेवावान तख्त श्री दमदमा साहब विखे अपन निरंतर जारी रखे बतौर जथेदार श्री दमदमा साहब। तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार दिया जिहड़ियां सेवावान बतौर जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघवीर सिंह जी जिहड़े तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार आ उत्थे उन्हां कोल अडिशनल चार्ज सी वो अपनियां पक्कियां सेवावां श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार दे तौर ते निभाउणगे। सचखंड दे और जथेदार अपनियां पक्कियां सेवावां और ये तो क्योंकि सचखंड श्री दरबार साहब जी के ग्रंथी साहबान थोड़े हो पक्कियां उत्थे लवाउणगे पर उन्होंने अडिशनल ग्रंथी के तौर इत्थे अपने ग्रंथी के तौर पर सचखंड श्री दरबार साहब के अडिशनल जिहड़ा है उन्होंने चार्ज दिता जाता। सो तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार ज्ञानी रघवीर सिंह जी सेवावान निभाउणगे और तख्त श्री दमदमा साहब दीआं सेवावान
सिंह साहब ज्ञानी हरपीर सिंह जी जिहड़े पहलां भी बाखूबी निभा रहे आ ओह बाखूबी अपनियां सेवावां निभाउणगे। तख्त श्री केसगढ़ साहब जी दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी वो अपनियां सेवावां निभाउणगे। सो कौम दे चरणां च भी बेनती करदा कि ये लौणा शब्द ना वरत्यो किते भी बिल्कुल पे अकाल तख्त दे जथेदार तो सिंह साहब ज्ञानी हरपीर सिंह नूं लाया ये निम्रता सहित बेनती आ। कोई लाने का नहीं मसला लाने वाली गल कोई नहीं अपनी स्वै इच्छा ना क्योंकि एडिशनल चार्ज सी। कई बार आप फिर टिल्ट कर जाने उन्होंने खूब मसाला नाल लगता कोई नहीं। ये तख्त श्री अकाल तख्त साहब की उन्हें जिनी चिर भी सेवा की आंतर कमेटी उन्होंने इन सेवावान की भरपूर शलांघा भी करती आ ते कामना भी करती भी अगह तो भी क्योंकि सेवावान के कई बार सलाह मशवरे भी करने पेंदे आ। पांच सिंह साहबाना के तौर पर अपना सार्थक रोल जिदा पहला निभाया उस तरह वो सार्थक रोल निभाते रहेंगे। सो कृपा करके ये सारी बेनती सी उन्हीं अपनी स्वै इच्छा के नाल मैं समझना बहुत बड़ी गल हो जाती है उन्होंने कि आप नवा तुम अपना जथेदार जिहड़ा नियुक्त कर लो। सो इन्नी कि अज की साड़ी विशेष पवित्रता सी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का अस्तीफा नहीं कोई भी होंगे मेरे नाल गल उन्हों की हो गई थी सारी हूँ भी हुई है गल उन्होंने कहा भी मैं इस गल की भरपूर क्योंकि कौम के लंबे अरसे का जथेदार पक्का लाने की परंपरा लोग कह रहे थे इस करके मैं इतों अपने सेवा मु या छुट्टी इतों करके तो तुम नव जो जथेदार जोड़ कर ज्ञानी जगतार सिंह जी अपन सेवावान निभाउणगे एक्टिंग के तौर पर देखो मैं क्योंकि कुछ अरसा पहला असी एक आल इंडिया सिख गुरद्वारा एक्ट की कमेटी बनी थी जी शायद तीजा खरड़ा से वो असं यतन भी किए थे पर एक कमेटी इतने भी बनी सी क्योंकि सिख गुरद्वारा एक्ट के अमेंडमेंटा पार्लीमेंट नूं करन दा अधिकार आ वो फिर लंबा अरसा आया वो भी पहला भी कमेटी एक बनी सी हूँ भी यतन करांगे भी आप एक कमेटी बना के वो रूल एंड रेगुलेशन जिहड़े जिथे जिथे भी कोई अमेंडमेंट होने वाली हो जरूर यतन करा। कोई गल नहीं इधर बिलकुल 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 ना जोड़ियो बिलकुल इधरले पासे ना जोड़ियो ये बिलकुल आप मीडिया की देखो मैं थोड़ा निम्रता सहित बेनती करता श्री अकाल तख्त साहब एड्डी वड्डी सिख कौम की शक्ति है अकाल तख्त फिर अकाल तख्त का जथेदार तो जे उदन भी सी अभी जे करना होंगे ये तो उन्हें अपनी स्वै इच्छा ना ये जो ये मैं समझना बहुत बड़ी गल है भी कीर्तिमान स्थापित किया।